बेसिक लाइफ स्पोर्ट, बेसिक लाइफ स्पोर्ट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक से, थर्ड टॉपिक से बेसिक लाइफ स्पोर्ट। अभी बेसिक लाइफ स्पोर्ट क्या होता है इसको हम समझने से पहले हम समझेंगे कि यार दुर्घटना, दुर्घटना का नाम सुना होगा, दुर्घटना, दुर्घटना एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई हमारा एक्सीडेंट है, तो ऐसी कोई अनवांछित घटना जो नहीं घटनी चाहिए लेकिन घट जाती है वो क्या कहलाती है हमारी दुर्घटना कहलाती है। जब हम काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम विद्युत पे काम करते हैं, तो विद्युत पे हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा विद्युत झटके लगाने की संभावना रहती है। अगर हमें विद्युत झटका लग गया या हमारे साथ कोई नहीं है, खराब एक्टिविटी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, खराब मतलब वो वाली खराब नहीं बेटा जो तुम समझ रहे, खराब का मतलब है यहाँ पे करंट का लगना, ठीक है। तो तुम लोगों का माइंड ना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सोच लेता है, एडवांस वर्जन में तुम लोग बुरी घटना, बस देखो खुशी सर क्या करे दिल की बात समझ लेते हैं आप, बस जो बोलूंगा वहां पे नहीं पहुंचोगे, और जहां नहीं पहुंचाना चाहता ना वहां पे तो तुरंत चल जाते। तो दुर्घटना हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं या कोई करंट लग गया या कुछ हो गया तो हमारे साथ क्या कहलाती है हमारी दुर्घटना कहलाती है। तो दुर्घटना होने पर जो उसको उपचार है, वहां पर दुर्घटना हुई है, मान लो तुम्हारे लैब में काम कर रहे हो, लैब में तुम्हारे पास कुछ हो गया जैसे कि तुमको करंट लग गया, मान के चलो मोनिटर लग गया, ठीक है लग गया, तो वो कहलाएगा एक्सीडेंट, भाई साहब आपके सामने हो गया एक्सीडेंट, आपको लग गया बहुत खतरनाक करंट। अब करंट लगने के बाद आप पड़े हो बेहोश, आपको कुछ समझ बैठ नहीं रहा, और डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कुछ टाइम लग जाएगा। तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जहां पे तुम्हारा क्या लगा है कोई तुम्हारी दुर्घटना हुई है वहीं पे तुम्हारा उपचार कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, और इसी को बोलते हैं बेसिक लाइफ स्पोर्ट। तो बेसिक लाइफ स्पोर्ट का मतलब ये होता है जहां पे तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई है वहीं पे तुम्हारा जो जरूरी इलाज है वो कर दिया जाए तो कहलाएगा हमारा बेसिक लाइफ स्पोर्ट। बेसिक लाइफ स्पोर्ट में तीन चीजें शामिल होती हैं, छोटे मोटे डॉक्टर ये बन जाओ तीन चीजों को समझ लोगे तो किसी की जान को बचा सकते हो। बेसिक लाइफ स्पोर्ट मतलब क्या है, दुर्घटना हुई दुर्घटना स्थल पे हम उसका क्या करते हैं, हल्का फुल्का इलाज करते हैं, और ये हल्का फुल्का इलाज बहुत काम का होता है, ये 80-90% लोगों की क्या कर लेता है, जान बचा लेता है, और इसमें ना तीन बेसिक चीजें शामिल होती है। तो जो प्राथमिक उपचार घटना स्थल पर देते हैं उसी को बोलते हैं बेसिक लाइफ स्पोर्ट, बेसिक लाइफ स्पोर्ट बोलते हैं। उसमें तीन चीजें शामिल की जाती है, ए बी और सी, याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बेसिक लाइफ स्पोर्ट में कौन सी तीन चीजें शामिल की जाती है, बेसिक लाइफ स्पोर्ट को किन तीन अंग्रेजी जो हमारे अल्फाबेट है उसे दर्शाया जाता है, उसे दर्शाया जाता है ए बी और सी से। तो ये फोर होता है एयरबेस, ये फोर होता है एयरबेस, ये फोर होता है एयरबेस, बी फोर होता है ब्रीथिंग, बी फोर होता है ब्रीथिंग, सी फोर होता है सर्कुलेशन, सी फोर होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो बेसिक लाइफ स्पोर्ट समझ में आया है, जहाँ पे हमें दुर्घटना हुई वहीं पे हमने इलाज दिया, बेसिक लाइफ स्पोर्ट। अब इलाज हम देंगे तो इलाज में हम क्या करेंगे, तो हम इलाज में तीन प्रकार के काम करते हैं, ए बी सी, ए पीस होता है एयरबेस, बी पीस होता है ब्रीथिंग, सी में होता है सर्कुलेशन। एयरबेस का मतलब है वायु मार्ग, एयरबेस का मतलब है वायु मार्ग, वायु मार्ग मीन्स हम जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, तो दो जगह से ऑक्सीजन लेते हैं, एक नाक से और एक कान से, नहीं सर मुंह से लेंगे, मुंह से लेते हो, ठीक है चलो इतना तो पता है तुमको, एक कहां से लेते हो, नाक से, नाक से और कहां से लेते हो, मुंह से। तो हमारा पहली जो क्रिया होती है वो एयरबेस होती है, जहां से हम सांस लेते हैं नाक और मुंह से। जब हमको झटका लगता है हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम सांस अच्छे से ले नहीं पाते, तो हमारे वायु मार्ग को साफ करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायु मार्ग को साफ करते हैं, नाक और मुंह को क्या कर देते हैं, अच्छे से साफ कर देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से क्या कर सके, सांस ले सके। तो पहले क्रिया बेसिक लाइफ स्पोर्ट में क्या रखी जाती है, एयरबेस, एयरबेस मीन्स जहाँ से बंदा सांस लेता है नाक और मुंह उसको क्या कर दो, साफ कर दो, क्यों, क्योंकि जब झटका लगता है बिजली का तो उसका मुंह और नाक अड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं, मतलब एयरबेस मेंटेन हो जाती है।
तो वो सांस नहीं ले पाता, ठीक है। जब वो सांस नहीं ले पाता तो निपट जाएगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वायुमार्ग जहां से सांस लेता है उसको साफ कर देंगे। अब हमने नाक और मुंह को साफ कर दिया, फिर दूसरी चीज आती है ब्रीदिंग। अब अगर वो फिर भी सांस नहीं ले पाता तो तुम उसको क्या करोगे, सांस दोगे, ब्रीथ दोगे, उसको क्या दोगे, सांस दोगे। तो ब्रीथिंग मतलब होता है सांस देना, ठीक है। कृत्रिम सांस दोगे, कौन सी सांस दोगे, कृत्रिम श्वास, श्वास दोगे। तो सबसे पहले एयर वे साफ करोगे, नाक और मुंह को साफ करोगे, नाक और मुंह साफ करने के बाद देख रहे हैं कि अच्छे से सांस ले ले पा रहा है, तो तुम उसे सांस लेने में मदद करोगे। कैसे मदद करोगे हम अभी पढ़ेंगे, कृत्रिम श्वास पद्धति क्या होती है और कौन सी बेस्ट होती है, और बेस्ट वाली जान के तो ना हम आज बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है जी सर। तो कृत्रिम श्वास पद्धति, ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले एयर वे नाक साफ किया, फिर आ गए हम किस पे, ब्रीथिंग पे आ गए। ब्रीथिंग में हम क्या करेंगे, कृत्रिम सांस देंगे। फिर आता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मीन ये होता है जब शरीर का झटका लगता है तो जो मरीज रहता है उसमें जो खून का परिसंचरण रहता है, जो संचरण होता रहता है शरीर में यहाँ से वहाँ, वो सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो खून की चाल बंद हो जाती है, इसी वाले सब लोगों ने, तो खून की चाल क्या हो जाती है भैया, बंद हो जाती है। उस खून की चाल को उनको क्या करना है, फिर से चालू करना है। तो हाथ पैर को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है अच्छे से। हाथ पैर को क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, रगड़ने के साथ साथ खींच भी सकते हो, इसमें नहीं मजाक करोगे। हाथ पैर को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे कि उसके खून का जो संचारण है उससे क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो ये कहलाता है हमारा बेसिक लाइफ स्पोर्ट। बेसिक लाइफ स्पोर्ट जहाँ पे आदमी के साथ दुर्घटना हुई है, प्राथमिक उपचार करना बेसिक लाइफ स्पोर्ट कहलाता है। कौन से उपचार देंगे, तीन उपचार देंगे हम, ए बी सी। ए मतलब सबसे पहले ये करेंगे, एयरवेज को साफ करेंगे, नाक मुंह साफ कर देंगे, नाक मुंह साफ करने के बाद उसको क्या देंगे हम, ब्रीथिंग देंगे, सांस देंगे। सांस देने के साथ साथ तीसरा काम क्या करेंगे, उसके हाथ पैरों को अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे कि उसकी जो खून की चाल हुई है बंद हुई है, ऊपर से क्या हो जाए, चालू चालू हो जाए, बंदा बच जाए, ठीक है। बंदे को बचा लिया हमने यहाँ सर, बंदी को भी बचा सकते हैं। हाँ, बंदी को भी बचा सकते हैं बिल्कुल बेटा, तुम ना बंदी को भी बचाओगे, बंदों को नहीं बचाओगे, सब बंदी के लिए हो रहा है यहाँ पर। मतलब इसमें ध्यान से इसलिए सुना जा रहा है कि किसी दिन बंदी के लिए और हम उस पर क्या करेंगे, ट्राई ट्राई करेंगे। सही जा रहा है, ठीक है। तो ये कृत्रिम है। अब देखो एयरवेस होता है तो एयरवेस को साफ क्यों करते हैं अच्छे से, देखो सांस दे रहा है हमें, एयरवेस साफ नहीं करेंगे। अब मान लो किसी को नाक आ रही है और तुम उसको सांस देने वाले हो नाक से, या मुंह से दे रहे हो, उसके नाक आते हमारे मुंह में भी आ सकती है। तो भैया पहले उसको ना साफ सफाई अच्छे से कर देना, नहीं तो नजर घटना घटी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। आगे आते हैं ब्रीथिंग देखेंगे, कृत्रिम श्वास कैसे देते हैं, उतने वाली यूनिट खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है, ऐसे कोई से भी एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन बनते हैं वही हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वो यूनिट जो ट्रेड पर्चे हैं आगे का भी खत्म हो जाएंगे कृत्रिम श्वास विधि से। तो बेसिक लाइफ स्पोर्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे आ सकते हैं, आपको कौन सी भी आप कैसे कैसे लगाई जाती है, लोग जीवन में भी लगा रहे हैं, लोग कपड़ों में भी लगा रहे हैं, तो तुमको अगर पता होगा तो तुम बच सकते हो। जो तुम्हारे जीवन में आग लग रही है उसको तुम बच सकते हो कि लोग कैसे आग लगाते हैं, ठीक है। तो सब बस थोड़ा सा और बचा है, हम आ जाते हैं कृत्रिम श्वसन विधि पे। कृत्रिम श्वसन विधि, हम सांस कैसे लेंगे, मान लो कोई बंदा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको सांस देना है हमें अन्य तरीके से, तो वो कहलाती है हमारे कृत्रिम श्वसन विधि। कृत्रिम श्वसन विधि में तीन विधि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली है हमारी सिलवेशन विधि। सिलवेशन जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते तो हॉकी में बिल्कुल मिल जाएगा, सिलवेशन सेफर सेफर विधि, और ये फेवरेट विधि आ गया है। और मेरा सबकी फेवरेट मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि, ये तो बहुत देखे हुए मूवी में, मूवी में भाई साहब मूवी वाले इतने टैलेंटेड है, बॉलीवुड वाले तो इतने टैलेंटेड है, तो इमरान हाशमी जो है ना वो तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है, बहुत सांस देता है उसी वाले मुंह से मुंह विधि, मतलब बिल्कुल साइंस का भरपूर उपयोग करके सांस का आदान प्रदान किया जाता है। इसे देते हैं मुंह से मुंह विधि, यस सर। तो देखो सबसे पहले आती है सिलवेस्टर विधि, कब देते हैं, कैसे देते हैं, सांस देने वाला बंदा कहाँ जाता है। तो सिलवेस्टर विधि जो होती है, सिलवेस्टर का सांस से याद रखना, किसे याद रखना, सांस से सीना याद रखना, क्या याद रखना, सीना।
सीना में जब फोड़े बढ़ जाते हैं, सीने में क्या बढ़ जाते हैं, फोड़, मतलब जब करंट लगते हैं छोटे छोटे फोड़े पड़ जाते हैं, अगर किसी के बंदे के चेस्ट में सामने वाले जो पार्ट है वहां पे क्या पड़ जाए, फोड़े पड़ जाए, तो उसे किस कृत्रिम श्वास विधि द्वारा श्वास देंगे, तो याद रखना किससे देंगे, सिल्वेस्टर विधि से। सिल्वेस्टर विधि वहां पे यूज की जाती है जब जो मरीज है, जो बंदा है जिसको करंट लग गया है, उसके सीने में क्या होते हैं, फोड़े होते हैं, कई बार ऐसा होता है, इसलिए याद रखना सांसे याद रखना, जब आएगा सांसे सीना बनता है तो सीने में फोड़े होंगे तो किससे देंगे, सिल्वेस्टर पर। अब सीने में फोड़े होंगे तो ये वाले विधि देंगे, बोलते हैं उसे लिटाया किस तरीके से जाता है, उसे बिस्तर पर लिटाया किस तरीके से जाता है, मतलब कैसे हम उसको लिटाएंगे। तो देखो छाती में फोड़े पड़े हैं तो छाती के सहारे तो हम लिटा नहीं सकते, उसे किसके सहारे लिटाया जाता है, पेट के बल के सहारे, याद रखना किसके सहारे, पीठ के सहारे लिटाया जाता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सीने में फोड़े पड़ जाने पर कौन सी विधि से इलाज किया जाता है, कौन सी विधि से सांस ली जाती है, सिल्वेस्टर से, ठीक है। और फिर लिटाया किसके बल जाता है, सीने की या पीठ के बल, उसके बाद सीने में फोड़े पड़ गए, फोड़े के बल को हम बेटा उसको सुलग सुल नहीं सकते क्योंकि भाई साहब उसको दर्द होगा, तो किसके अनुसार उसको लाया जाता है, किसके पीठ के सहारे, क्या करेंगे उसको सुलाए। अब ये तो ठीक है, तीसरे क्वेश्चन इसमें बैठता है कि जो बंदा सांस देगा, जो बंदा क्या करेगा सांस देगा, वो मरीज के कहाँ पे बैठा होता है, तो सिर के पास बैठा होता है, इसके पास बैठा होता है, सिर के पास बैठा होता है। मान लो ये कोई बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, इसे हम पीठ के बल लिटाएंगे, किसके बल लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे, और जो सांस देने वाला जो बंदा है, मान लो ये है, ठीक है, ये सर बैठा रहेगा, ठीक है, तो पीठ के बल लिटाते हैं और जो सिर रहता है, सिर सिर के पास जो सांस देता है वो वाला बंदा सिर के पास बैठा रहता है, और ये लेटा हुआ अरविंद है, कुछ नहीं करता, उसके हाथ रहता है, हाथ को ऐसे फोल्ड करके चेस्ट के ऊपर थोड़ा रखता है और दबा देता है, दबाने के बाद छोड़ देता है, फिर दबाता है, फिर छोड़ देता है, इस तरह धीरे धीरे उसे सांस लेने की क्या हो जाती है, मदद हो जाती है, इसको बोलते हैं उसे विधि सिल्वेस्टर विधि। तो सिल्वेस्टर विधि कब यूज करते हैं, बंदा कहाँ पर बैठ के सांस देता है, ठीक है, और कैसे उसको लिटाया जाता है। सेफर विधि इसकी जस्ट उल्टी है, अगर सिल्वेस्टर को पता है तो सेफर बदलने की जरूरत नहीं है। सिल्वेस्टर में कब देंगे, देखो इसमें सीने फोड़े पड़ जाते थे, एक काम हो जाएगा पीठ में फोड़े पड़ जाएंगे, पीठ में क्या हो जाते हैं, पीठ में फोड़े हो जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि पीठ में फोड़े हो जाएंगे तब कौन सी विधि से इलाज किया जाएगा, तो कौन सी विधि से इलाज किया जाएगा, सेफर विधि से इलाज किया जाएगा। हमारे पीठ में फोड़े पड़ गए या छाले पड़ गए, छाले भी बोलते हैं, छाले पड़े तो किसके बल लिटाया जाएगा, पीठ में फोड़े पड़े तो लिटाया कैसे जाएगा, सीने के, सीने के बल लिटाया जाता है, सीने के बल लिटाया जाता है। और जो सांस देता है वो बंदा सर के पास बैठता था, इसमें किसके पास रहता है, पैरों के पास, पैरों के पास, पैरों के पास करेगा सांस देता। तो ये हमारी कृत्रिम श्वसन विधि सेकंड है, पहले थी हमारी सुपर, दूसरी हमारी कौन सी सेफर, तो सेफर विधि जस्ट सिल्वेस्टर विधि का जस्ट उल्टा कर दो, तो हमारी सिल्वेस्टर विधि बन जाएगी। फिर आती है जन साधारण की सबसे लोकप्रिय मेथड सांस देने की, जो हर एक बंदा चाहता है कि मैं कभी ना कभी किसी बंदी को दूं, किसी को पे ट्राई किया जाए, वो है मुंह से मुंह से मुंह विधि। इसमें ज्यादा नौटंकी नहीं रहती, ना लिटाना ना पिटाना, सीधे क्या करना है, सीधा लेना है मुंह से, मुंह को क्या कर देना है, लगा देना है, और जो सामने वाला जो मरीज है उसके मुंह में क्या करनी है, हवा भरनी है। हवा भर जाने के बाद एकदम से क्या कर देते हैं, मुंह को हटा लेते हैं, ठीक है, तो हवा बाहर निकलती है, फिर डालना है, फिर ऐसे करना है, तो ऐसे चार पांच दस बारह बार करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी सांस लेने में उसको उसकी जो प्रॉब्लम हो जाती है वो दूर हो जाएगी। तो ये होती है हमारी कौन सी विधि, मुंह से मुंह विधि। तो यहाँ पे हमारी यूनिट्स क्या हुई, खत्म हो गई। हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, हमने चार टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए, जो मेन टॉपिक्स थे हमारे। पहला हमारा टॉपिक्स था, पहला हमारा टॉपिक्स कौन सा था, पहला कौन सा था, पहला टॉपिक्स हमने कौन सा पढ़ा सर, आग। सबसे पहले आग नहीं पढ़ी होगी, आग हमने नहीं लगाई, सबसे पहले आग नहीं लगाई, सबसे पहले हमने सिंबल्स पढ़े, सिंबल्स। तो हमारे टॉपिक से देखो, टॉपिक्स पे याद रखना है, नोट्स बना दे, तो बस चार टॉपिक लिखना है, सबसे पहले लिखना है तुम्हें सिंबल,
हमने क्या पढ़ा है? सिंबल्स सिंबल भी पढ़े, बाद हमने पढ़ी क्या? आग। आप पढ़िए, आपके बाद हमने पढ़ा बेसिक लाइट स्पोर्ट, बेसिक लाइट स्पोर्ट। और चौथा हमने पढ़ा है हमारा कृत्रिम श्वास विधि। श्वास विधि, श्वास विधि, कितनी चीजें पढ़ी हमने? चार चीजें पढ़ी है। तो बस इतना सा पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि बातों को पता होगी तो बन जाएगा। पांच मिनट में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। देखो जिसने भी पढ़ लिया क्लास में रिवीजन करके, सिंबल पढ़े, सिंबल होते कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला निषेधात्मक, निषेधात्मक, दूसरा होता है हमारा अनिवार्य, तीसरा होता है हमारा अनिवार्य हो गया हमारा होता है सूचनात्मक, सूचनात्मक, और चौथा हो गया हमारा चेतात्मक। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निषेधात्मक कैसे रहते हैं हमारे? निषेधात्मक के बारे में मैंने एक चीज और नहीं बताई। देखो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, आकृति, स्याही। आकृति क्या है, स्याही क्या है, और हमारा बैकग्राउंड। यस सर, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ और बैकग्राउंड, और ठीक है स्याही, ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो हमारा जो निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक की आकृति होती है। यस सर, बैकग्राउंड क्या होता है? काली स्याही रहेगी, सफेद से। दूसरा बार अनिवार्य या अच्छा उसकी स्याही क्या होगी? सफेद, सफेद होगी। तो बनाएंगे किसमें? काले से। गोल होगी, ये आयताकार। अच्छा सफेद से, फिर हमारा आता चेतावनी है तो इस आयताकार, जो हमारा सूचनात्मक होता है आयताकार होता है, हमारा सफेद से बनाया जाता है। फिर आता है हमारा कौन सा? निषेधात्मक। निषेधात्मक नहीं है हमारा चेतावनी। चेतावनी त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार हो रहा है, और त्रिभुजाकार है पीले बैकग्राउंड पे सब काली से बनाया। तो यहाँ काली से बनाया जाता है, जो सफेद से बनाया जाता है। दो अच्छे वाले हैं जैसे कि सूचनात्मक और अनिवार्य से पेश बनाए जाते हैं, तो बुरे हैं जिसके निषेधात्मक और हमारा चेतावनी पानी से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा था निषेधात्मक में। इसके अलावा भी एक चीज़ याद रखनी है, इसमें क्रॉस बार होता है। क्या लगा होता है? क्रॉस बार लगा रहता है। अब क्रॉस बार का मतलब क्या है कि इसका जो सिंबल होता है उसमें जो भी कुछ स्क्रिप्ट है निशाना है उसको क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस बार। तो क्रॉस बार किस सिंबल में होता है? निषेधात्मक में होता है। उसमें बॉर्डर बनी रहती है, बॉर्डर जो इस कलर की रहती है, रेड कलर, रेड। तो याद करना निषेधात्मक में दो चीजें एक्स्ट्रा याद करनी है, इसमें एक बॉर्डर रहती है रेड कलर की और एक क्रॉस बार क्या होता है, मतलब सिंबल बना देते हैं उसको काट देते हैं। काटने का मतलब है कि वो काम आपको करना नहीं है। फिर आते हैं आपके, तो आग कैसे लगाई जाती है? तो आग लगाने के लिए ईंधन प्लस ऑक्सीजन प्लस हमारा क्या होनी चाहिए? रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और आग कितने प्रकार की होती है? आग होती है चार प्रकार की, ए बी ए और डी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की आग रहती है। कागज में लगी आग क्लास ए की आग कहलाती है, पानी से बुझाई जाती है। जो द्रव ईंधन रहते हैं उनमें आग लगी रहती है, वो कहलाती है बी टाइप की, जैसे कि हमारा पेट्रोल डीजल हो गया, और उसे बुझाने के लिए झाग टाइप यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा तीसरा क्लास सी की आग। तो क्लास सी की आग से शॉर्ट स्लीप और सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट याद रखना। जब हमारा न्यूट्रल फेस होता है तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है क्लास सी की आग कहलाती है, और उसे बुझाने के लिए किसका यूज किया? रेत का सर, रेत का यूज किया जाता है, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और जो हमारे रासायनिक पदार्थ जैसे कि पटाखे बटाखे बनाते हैं उनमें जो आग लगती है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, वो क्लास सी की आग कहलाती है, और उसे बुझाने के लिए कार्बन ट्रेटर क्लोराइड जो अपने समय के अंदर उसका यूज किया जाता है। ये पढ़ा हमने, तो बेसिक लाइफ स्पोर्ट अभी हमने पढ़ा। बेसिक लाइफ स्पोर्ट अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है कहीं पर, भाई तो उसको प्राथमिक उपचार कराना बेसिक लाइफ स्पोर्ट कहलाता है। तीन प्रकार की क्रिया होती है, ए बी और सी, ए फोर एफ फोर, बी फोर बी फोर ब्रीथिंग, सी फोर सर्कुलेशन है। जिसमें मतलब बल हमारे को साफ कर देते हैं, जहाँ बैठ क्या करते हैं सांस लेते हैं, देते हैं मोर क्या हो गया हमारा नाम हो गया। फिर इनको करने के बाद दूसरा पार किया जाता है ब्रीथिंग, उसको सांस दी जाती है, कृत्रिम सांस दी जाती है। और तीसरा होता है सर्कुलेशन, जो रक्त रुक जाता है, रक्त को क्या करते हैं उसके शरीर में फैलाने के लिए शरीर को रगड़ा जाता है। तो ये कहलाते हैं हमारे बेसिक लाइफ स्पोर्ट, और तीन अक्षरों से दर्शाते हैं ए बी और सी से। ठीक है, फिर इसके बाद आ गए हमारे कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास विधि
तीन प्रकार से दी जाती है, सिंग्रेस्टर सेपर और कौन सी रहती है हमारी मोसेमो विधि। सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है, याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में आया, सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है, मोसेमो विधि। सिल्वेस्टर विधि सबसे पहले था, सिल्वेस्टर विधि पढ़ेंगे। सिल्वेस्टर का सा याद रखना, दो वाले साथ सीना बनता है, सीने में फोड़े हो जाते हैं तो सिल्वेस्टर का यूज करते हैं। अगर सीने में फोड़े पड़ गए, छाले पड़ गए तो कहाँ पर लिटाया जाए, तो उसको किसके बल लिटाया जाता है, पीठ के, पीठ के बल लिटाया है। तो वह विधि जिसको पीठ के बल लिटाया जाता है, सीने में फोड़े पड़ जाते हैं, सिल्वेस्टर विधि होती है। और जो बंदा इलाज करता है वो सर के पास लटा रहता है। सेपर जस्ट उल्टा होता है, जिसमें पीठ में फोड़े पड़ जाते हैं, सीने के बल लिटाया जाता है और जो बंदा सांस लेता है वो कहाँ पर रहता है, पैरों के पास बैठता है। और फिर सर्वोत्तम विधि मुँह से मुँह विधि है, ठीक है, सभी लोग ट्राई करना चाहते हैं इसको, लेकिन अपने जैसे वाले बंदों के ऊपर नहीं करना चाहते, विपरीत लोगों के ऊपर करना चाहते हैं। आकर्षण मतलब है, उनके मतलब रहता है कि एक बार हम भी इसको किसी पर ट्राई करेंगे, वो है मुँह से मुँह विधि, ठीक है। कोई झंझट नहीं, किसी भी पोजिशन में किसी भी एंगल से दे सकते हो, बस कहानी है ये सर्वोत्तम विधि है, ठीक है, तो आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके, ये हो गया हमारा यूनिट खत्म। हाँ यार कर दो ना सब्सक्राइब, कर देना यार, इच्छा हो तो कर देना सब्सक्राइब, लाइक वाइक।